पंचकुला के गांव कोटबिला स्थित शीश महल में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि इंद्रेश वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने संबोधन में कहा कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं। इस पर हमें फक्र होना चाहिए। जिंदगी में दोस्त मिल जाए या दोस्त बनाना आ जाए तो जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। और इन्होंने आगे कहा, हमारा रास्ता नफरत का नहीं, मोहब्बत का है। नीच इतना जगाई है, नया उल्लास के साथ संदेश दिया है, तो इस समय स्थिति क्या है पूरे देशवासियों की? ऐसा है, कुछ देश अब एक नए रूप में जीना चाहता है। जाति के नाम पर छुआछूत ना हो, मजहब के नाम पर फसाद ना हो, अलग अलग पहचान के नाम पर झंडा, कानून, संविधान, नागरिकताएं, ये टूटे बिखरे नहीं। मूल जरूरत है कि इस देश के अंदर तालीम के लिए, तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए सब लोग काम करें और इस प्रकार से सारे देश का एक वातावरण बन रहा है। अभी 370 और 35 से हटाया, पूरे देश के अंदर सुख और शांति बनी रही। जम्मू रीजन में भी और लद्दाख में भी शांति बनी रही। कश्मीर घाटी के अंदर जो लोग 370 और 35 ए की आड़ में भारत के फिर टुकड़े करना चाहते थे, वो भड़का कर खून खराबा ना करवा सके, फिर से बम विस्फोट, गोलीबाजी, पत्थरबाजी हो, कत्ल हो, ये ना हो, इसलिए सरकार ने एक थोड़ा सख्ती करके ऐसी ताकतों को और काबू किया है और धीरे धीरे करके उस इलाकों में भी शांति आती जा रही है। और एक मिजाज बदल गया है कि एक्साइज चीन जो अवैध कब्जे में चीन के था, पीओके जो अवैध कब्जे में पाकिस्तान के था, अब उसको लेने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई है। तो मुझे ये लगता है एक नए हिंदुस्तान का और एक ताकतवर हिंदुस्तान का जन्म हो गया। आज लाखों लाख मुसलमान मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलता है, भारत माता की जय भी बोलता है, जय हिंद भी बोलता है और वंदे मातरम भी बोलता है। उसको लगता है ये सब वतन की मोहब्बत के नारे हैं, केवल जुबान का फर्क है। और इस हिंदुस्तान में उसको ध्यान में आता है कि हर एक मजहब को अपनी अपनी इबादत करने के लिए पूरी छूट है। जो लोग भड़काते हैं वो मिसगाइड करते हैं और मिसगाइड हैं, इसलिए अब लोग भड़कने वालों से बचने लगे हैं। और इस प्रकार से इस देश के अंदर इसकी भी पहल उठ गई है कि गंदा नहीं स्वच्छ देश चाहिए, पानी बर्बाद करने वाला नहीं पानी बचाने वाला चाहिए, प्रदूषण वाला नहीं पर्यावरण वाला हिंदुस्तान चाहिए, प्लास्टिक जैसे कचरे से बचकर और एक अच्छे माहौल वाला हिंदुस्तान चाहिए, नारी का शोषण नहीं हो, नारी का सम्मान हो, इसलिए बेटी बोझ नहीं वरदान है इस तरह भी बढ़ा है, नशों से बचे, एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करें, ऐसी सब बातों को लेकर एक नए हिंदुस्तान की तैयारी हो गई है। उसी का आगाज करने के लिए आज का ये प्रोग्राम था और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ से ग्रीन इलाका, ग्रीन हरियाणा, ग्रीन भारत, नशे से मुक्त भारत, प्रदूषण से मुक्त भारत, छुआछूत से मुक्त भारत, जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर, असहाय, निर्बल है उनसे नफरत करने वाला नहीं, प्यार करके, इज्जत देकर उनको मदद करने वाले भारत, इसकी आज सबने संकल्प लिया है। अर्थ प्रकाश के लिए पंचकुला से कैमरामैन मंदीप गौतम के साथ संवाददाता कोमल रमोला की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।